हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कक्षा 9 अथवा 10 में, तो आप लोगों के लिए बिहार सरकार ने नया स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें आप लोग को 1800 रुपये सालाना मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या पूरा जानकारी, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सारे अपने जो भी सवालात हैं उनको यहाँ से देख लें, ताकि आप लोग को जो है किसी तरह का परेशानी ना हो अप्लाई करने में और आपको ये पूरा 1800 रुपये मिलने में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखेंगे क्या है प्रोसेस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 9वीं 10वीं के 12 लाख से अधिक छात्रों को राज्य सरकार देगी छात्रवृत्ति। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग का ये पेपर का हेडलाइन है। इसका डिटेल्स हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स हम लोग का यहाँ पर है पटना, हिंदुस्तान ब्यूरो। केंद्र सरकार की लेट लतीफ़ से परेशान 9वीं के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार ने अपने मत से छात्रवृत्ति देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। यानी अगर आप BC या ABC से अगर बिलोंग करते हैं तो आप लोग को ये छात्रवृत्ति बहुत जल्द ही मिलने वाला है। कैसे मिलेगा उसके लिए आप लोग आगे इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, जल्द ही प्रदेश के राजकीय और राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों से 9वीं 10वीं के पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 12 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस मद में 287 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए हैं। पहली बार राज्य सरकार इस मद से 100% राशि खर्चा करेगी। हर एक विद्यार्थी के खाते में एक मुश्त 1800 रुपये भुगतान होगा। 150 रुपये के महीने के हिसाब से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कराने की कोशिश शिक्षा विभाग कर रहा है। शिक्षा विभाग इस पर शीघ्र मुख्यमंत्री को सहमति लेगा, इसके साथ ही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जो है उद्घाटन करेंगे, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आप लोग के जो है अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वारा राशि कम मिलने अथवा समय पर नहीं प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति दी जानी है। इस संबंध में विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि केंद्र सरकार से राशि समय पर नहीं मिलने और कम देने के कारण जनवरी 2022 से राज्य सरकार की अपनी कोष से पूरी राशि देने का फैसला किया है। उसके बाद राज्य योजना मद से पैसा का इंतजाम किया गया है। इस कारण मार्च 2023 में राशि की स्वीकृति मिली है। यही कारण है कि पिछले वित्तीय वर्ष में छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं हो सका है। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं कि ये जो 1800 रुपये जो आप लोग को मिलने वाला है, इसमें आप लोग को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्पेशल अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्कूल के द्वारा लिस्ट मांगा जाएगा कि आपके स्कूल में कितने अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट हैं, उन सभी का जो है वहाँ से लिस्ट जाएगा, वहीं से अप्लाई हो जाएगा आपके स्कूल से ही। तो आप लोग को खुद से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वहाँ से लिस्ट जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके जो है आप लोगों ने जो बैंक खाता दिया होगा अपने स्कूल में, उस खाते पे आप लोग का जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक, अभी जो है SC ST और जनरल वाले के लिए कोई भी न्यूज नहीं है। जैसे ही आता है तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।